टैक्स एमनेस्टी को चोरों की स्कीम करार देने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और यूटर्न, हुकूमत एमनेस्टी स्कीम ले आई। वज़ीर-ए-आज़म की स्कीम आज कैबिनेट इजलास में पेश करने की हिदायत। बेनामी जायदाद पर 10%, गैर मुल्की असास से वापस लाने वालों पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माजी के ट्वीट सोशल मीडिया पर डाल दिए, साथ शेर भी कह डाला। वो आफ्ताब लाने का दावा देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले लिया। आपको डॉलर चाहिए, उनमें इतना बड़ा फर्क पैदा हो गया कि अब आप अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सकते। या तो आप तेल बाहर से मंगाना खत्म कर देंगे, या आपका मईशत का पहिया चलना बंद हो जाएगा, या आप जो पुराने कर्ज हैं उस पर डिफॉल्ट कर जाएंगे और आप दुनिया से आइसोलेट हो जाएंगे। आईसीयू से मरीज निकला और अब पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज खत्म हो गया। अब हम उस पोजीशन में आए कि आहिस्ता आहिस्ता इस मुट्ठी को खोला जाए, लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। क्राइसिस फेज खत्म हो गया, स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर हैं और उस स्टेबलाइजेशन फेज से फिर हम निकल के इंशाल्लाह ताला एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज के अंदर जाएंगे। वजीर खजाना के हाथ अलादीन का चिराग आ गया, या वो बयान बदलने की महारत दिखाते रहते हैं। 3 अप्रैल को कहा मुल्क दिवालिया होने के करीब है, 5 दिन बाद फरमाने लगे मईशत इस्तेहकाम की तरफ चल पड़ी है। आईएमएफ से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में है। अपोजिशन के राबतों में तेजी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एएनपी के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की इस्लामाबाद में मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ की इयादत के लिए लाहौर पहुंच गए, 8 सुबह 10 बजे जाती उमरा जाएंगे। मियां नवाज शरीफ आज तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे, मेडिकल बोर्ड साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मुआयना करेगा, डॉक्टर अदनान का ट्वीट। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत के खिलाफ नैब की अपीलों की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी, जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता, DGISPR का भारतीय फजाइया की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। पाकिस्तान ने सच पर कभी ढोल नहीं बजाए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंडियन जहाज गिराए, मलबा सबने जमीन पर देखा। ब्रसल्स में कश्मीरी कम्युनिटी का भारतीय सिफारतखाने के बाहर मुजाहरा, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा से भारतीय मजालिम पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी के खिलाफ भी एहतजाज किया। बानी एमक्यूएम की नफरत अंगेज तकरीर का मामला, बरतानवी पुलिस गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने FIA हेडक्वार्टर पहुंच गई, सिंध पुलिस के 6 अफसर इस्लामाबाद ना पहुंच सके, मजीद वक्त मांग लिया। तेजतर ट्रायल का अमल जारी, मुल्क भर की मॉडल कोर्ट्स ने मजीद 148 मुकदमात के फैसले सुना दिए। कत्ल के 54 मंशियात के 94 मुकदमात को निपटाया गया, 4 मुलजिमों को सजाए मौत सुनाई गई। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकरार तबादले, हबीबुर रहमान गिलानी, कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद और रिजवान अहमद को ग्रेड 22 में तरक्की। रिजवान अहमद को चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। आफ्टर 2 रिवॉर्डिंग ईयर्स इन योर ब्यूटिफुल कंट्री, आई मस्ट से आई लीव विद अ वेरी सैड हार्ट, बट बी श्योर आई विल कम बैक एज एन ऑर्डिनरी टूरिस्ट। आई स्पेंट 2 of the most wonderful years here in Pakistan, professionally rewarding, but also in my private life, to discover so many beauties of your country, but above all, discovering you, the people of Pakistan. German speed Martin Kobler ne Pakistani kaum ke naam alvidai pegham Twitter par jari kar diya. Martin Kobler kehte hain, mehman nawazi aur ehtiram ke liye aap sab ka mashkoor hoon, aapko apne dil mein rakhunga.